हेलो दोस्तों, वेलकम टू अगेन गैडरेक्स एजुकेशन। हम सदैव बच्चों के लिए तैयार रहते हैं अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस सीरीज में। ठीक है, हम बात कर रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। वन शॉट क्वेश्चंस, वन शॉट कॉन्सेप्ट, यानी एक बार में आपके सारे क्वेश्चन लग जाएं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थी। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, कहाँ पे ये अस्तित्व में होता है, क्या कंडीशन होती है फलन और प्रतिलोम में क्या अंतर होता है, शब्दों में इस चीज को मैंने बताने की कोशिश की थी। बात थोड़ा सा और आगे की, यानी अब इसके ऊपर के क्वेश्चंस की। ठीक, हमने पिछली बार जो आपको बताया था वो बताया था y इक्वल टू साइन x। ये कहा था कि इसका x बिलोंग्स टू -1 to 1, जबकि इसका जो आउटकम आएगा, क्योंकि वैल्यू एज ए इनपुट दे रहे हो ना आप, तो जब आप वैल्यू एज ए इनपुट दोगे तो जो इसका आउटकम आएगा वो आएगा एंगल के फॉर्म में, यानी -π/2 से लेकर के कहाँ तक, π/2 तक, है ना। और इसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस बनना चालू हो गए थे। मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स लिए थे, वो एग्जांपल्स एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। जैसे √3/2 है, जैसे साइन इनवर्स 2 है, जैसे साइन इनवर्स आपका 1 है, जैसे साइन इनवर्स आपका -1/√2 है। ठीक है, ये आपको मैंने आपको चार एग्जांपल मैंने आपके सामने सामने दिए। ठीक, जैसे और ले लेते हैं साइन इनवर्स -√3/2। ठीक, जैसे साइन इनवर्स 0। ठीक, इस तरीके से मैंने आपको चार वैल्यूज दे दी, आप छह एग्जांपल्स ले लिए। और मैंने आपसे ये पूछा कि भाई पिछले टर्न पे मैं तो ये सिखा के गया था कि किस तरीके से ये निकालते हैं, तो आपको ये चीज़ आइडिया हो गया होगा। और एक हम्बल रिक्वेस्ट की थी, बहुत हम्बल सी, छोटी सी यार। ठीक है दोस्तों, आप सब ने त्रिकोणमिति के, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, एटलीस्ट वो टेबल बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा, जहाँ पे लिखा रहता है ना वो टेबल में, साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 0 डिग्री की वैल्यू, 45 की वैल्यू, है ना, 90 डिग्री तक का बना रहता है। तो 90 डिग्री तक का आपको तो जरूर से जरूर टेबल तैयार होगा। एनीवे, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे √3/2 है। अब भाई कितने की वैल्यू होती है √3/2 साइन में, तो सबको पता है कि साइन में √3/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 60 डिग्री। 60 डिग्री इतना कितना, मतलब π/3। तो यहाँ पे ये चीज़ आपका कितना लिख दिया जाएगा, π/3 लिख दिया जाएगा। मैंने आपसे बोला भी था ये चीज़ कि देखो यार, अगर धनात्मक आता है ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाना, ऋणात्मक आता है ना तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाना। यानी अगर आप धन पॉजिटिव है तो आप थीटा के फॉर्म में आंसर देना, अगर आपका निगेटिव है तो आप -θ के फॉर्म में आंसर देना, और जो आंसर आना चाहिए वो -π/2 से लेके कहाँ तक आना चाहिए, π/2 के बीच में आना चाहिए, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में आना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। चलिए, साइन इनवर्स √3/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी π/3। अच्छा, साइन इनवर्स 2, अब देखिए मैंने आपसे कहा है कि -1 से लेकर के 1 के बीच में ही वैल्यू देनी है, पर यहाँ पे उन्होंने गलती से 2 पूछ लिया, है ना, तो 1 से ज़्यादा होती है ना वैल्यू। जब ऐसी वैल्यू आ जाए जिसका एंगल पता है, भाई सीधी सी बात है कि साइन हमेशा -1 से +1 के बीच में काम करेगा। अब जब साइन आपका -1 से +1 के बीच में काम करेगा, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे 2 का कैसे निकलेगा वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग 2 का वैल्यू जो है वो लिखेंगे नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं। यहाँ पे हिंदी में लिख दीजिएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं।
ये इसका जवाब होगा कि साइन इनवर्स टू का कितना आएगा। अब ये तीसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू, साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू। अब जब हम साइन इनवर्स माइनस, अब देखो पॉजिटिव आता था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया, नेगेटिव आएगा तो कहाँ बताएंगे हम, चतुर्थ निर्देशांक बताएंगे, चौथे निर्देशांक की हम बात करेंगे, है ना। तो हम लोग चौथे निर्देशांक की बात करेंगे, कितना होगा चौथे निर्देशांक में, ये वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस पाई बाई थ्री, यानी 60 डिग्री तो होगा पर माइनस लगा करके होगा, यानी ये चौथे निर्देशांक पर पहुंच जाएगा। क्या ख्याल है, वन के लिए कितने की वैल्यू होती है वन, हाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब बोले तो पाई बाई टू की वैल्यू होती है, ये ऋणात्मक, वाह वाह आसान है, हाँ जल्दी से हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ऋणात्मक है। कितना होगा इसका ऋणात्मक का वैल्यू, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ द पाई बाई फोर। भाई वन बाई रूट टू की जो वैल्यू होगी ना वो होगी 45 डिग्री, वन बाई रूट टू की जो वैल्यू होगी वो होगी 45 डिग्री। अब यहाँ पे लगा है माइनस, जब यहाँ पे लगा है माइनस तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा ना दोस्तों वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा, है ना। जीरो कितने की वैल्यू होगी, जीरो, अरे भाई जीरो डिग्री की जीरो डिग्री वैल्यू होगी, यानी इसका आंसर तो हो जाएगा जीरो। तो मैं अपनी तरफ से पूरी मैंने कोशिश की है कि आपको साइन इनवर्स पूरे तरीके से क्लियर हो जाए कि साइन इनवर्स का इनपुट कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन इनवर्स का आउटपुट कहाँ से कहाँ तक होता है। दो तीन ग्राफ के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है, साइन इनवर्स का ग्राफ भी मैंने आपको सिखाया, साइन एक्स का भी ग्राफ मैंने सिखाया है, और यहाँ पे खूब सारे एग्जाम्पल ले करके मैंने सिखाने की कोशिश की है। मैं अब इसके आगे बढ़ता हूँ, मैं इसके आगे सेकेंड फंक्शन पे आता हूँ, बात करूँगा मैं आज आपसे कॉस इनवर्स एक्स की, और देखेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स में आखिर किस तरीके से ये प्रतिलोम निकाला जा सकता है, क्या इनपुट होते हैं और क्या आउटपुट होते हैं। जल्दी से बिल्कुल देरी नहीं करते स्टार्ट करते हैं कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स एक्स की चलिए स्टार्ट करते हैं तेजी से। कॉस इनवर्स एक्स, मैंने फंक्शन लिया y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब पहले ये समझ लीजिए कि मैंने आपको ये बता रखा है, बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कि प्रतिलोम निकालने का जो प्रतिबंध होता है, यानी इनवर्स निकालने की जो कंडीशंस होती है, वो हमेशा फलन एकैकी तथा आच्छादक होना चाहिए। फलन क्या होना चाहिए, एकैकी तथा आच्छादक होना चाहिए। अब दोस्तों अगर आपका फलन एकैकी तथा आच्छादक, जैसे साइन में था तो साइन में हमने माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक का ग्राफ लिया, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले वाई इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ मैं बनाता हूँ, वाई इक्वल टू कॉस एक्स का, यानी कॉस एक्स का सिंपल आप समझिए कि कॉस एक्स का ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूँ। क्या होगा कॉस एक्स का ग्राफ, जरा सा समझेंगे कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बना रहे, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये कॉस एक्स ले लिया, ठीक। आप यहाँ पे जो ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये यानी आपको जो ग्राफ बनाना है ना वो केवल जीरो से लेकर के पाई तक का बनाना है, जीरो से लेकर के कहाँ तक का, पाई तक का। जीरो पे इसकी वैल्यू वन हो जाएगी और पाई पे इसकी वैल्यू माइनस वन हो जाएगी, यानी ये ग्राफ कंसीडर किया जाएगा प्रतिलोम निकालने के लिए। फलन एकैकी है, बिल्कुल एक ही बार कट कर रहा है, साथ में फलन आच्छादक होगा क्योंकि माइनस वन से लेके प्लस वन तक पूरा जो इसका रेंज है वो पहले से क्लियर है, यानी कहते नहीं है कि सह प्रांत अगर परास के बराबर हो जाए, सह प्रांत अगर परास के बराबर हो जाए तो आपका फलन आच्छादक बन जाता है, आपका फलन आच्छादक बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे माइनस वन से वन आउटपुट लिया है और जीरो से पाई मैंने यहाँ पे एज अ इनपुट लिया है और इसी का मैं प्रतिलोम निकालने जा रहा हूँ। जब मैं इसका प्रतिलोम निकालूंगा,
इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वैल्यू के टर्म में इनपुट देगा तो इसके लिए जो यानी जो इनपुट वो माइनस वन से लेकर के प्लस वन के बीच में होगा, और जो इसका आउटकम आएगा यानी जो इसका उत्तर आएगा वो जीरो से लेकर के पाई के बीच में होगा, जीरो से लेकर के पाई के बीच में होगा बच्चों, ठीक है। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका आउटकम मुझे जीरो से लेकर के पाई तक देना है। साइन में क्या था, माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू था, यहाँ पे क्या है जीरो से लेकर के क्या है पाई तक है, जीरो से लेकर के कितना है पाई तक है। ये बात बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल एकदम नोट करके बैठिएगा कि जीरो से लेकर के ये पाई तक है। जरा मैं कॉस इनवर्स एक्स का भी ग्राफ बनाता हूँ, देखिएगा जरा सा कैसे बन रहा है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। अब समस्या ये है कि ये जो ये वाई है ना ये आउटकम पे आना चाहिए, यानी एंगल जो है वो इस वाले एक्सिस पे आ जाएगा, तो जीरो पाई बाई टू और यहाँ पे मैंने लिख लिया पाई, जीरो पाई बाई टू और वहाँ पे मैंने लिख लिया पाई, और इनपुट आपका माइनस वन से लेकर के प्लस वन के बीच में होना चाहिए, माइनस वन से लेकर प्लस वन के बीच में होना चाहिए। कैसा बनेगा देखने लायक होगी बात, मज़ेदार होगी। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आखिर मैं क्या इनपुट दे सकता हूँ प्रतिलोम में और क्या आउटपुट निकल सकता है, किस तरीके से निकल सकता है इसका आउटकम। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। अब देखिएगा जरा सा बड़ी मज़ेदार चीज़, अगर आपका जीरो से वन तक आपने पॉजिटिव वैल्यू दी है, जीरो से वन तक अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू दी है तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो जीरो से 90 तक, यानी जो टेबल याद कर रखा है ना आपने बिल्कुल काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जीरो से वन तक के लिए काम करेगा, यानी वहाँ पे वैल्यू धनात्मक आएगी, वहाँ पे वैल्यू आपको क्या आएगी धनात्मक आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक। क्या ख्याल है अगर कॉस के अंदर इनपुट निगेटिव दिया जाए, आहा मज़ेदार चीज़, क्या ख्याल है अगर यहाँ पे निगेटिव दिया जाए, अगर आप निगेटिव देते हैं उस कंडीशन पे ये पाई माइनस थीटा देगा, उस कंडीशन पे ये क्या देगा पाई माइनस थीटा देगा। पॉइंट मस्ट रिमेम्बर, मैं यहाँ एक फाइनल चीज़ बना दे रहा हूँ और इसके बाद इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या बना रहा हूँ मैं देखते चले जाइए, मैंने यहाँ पे एक्स लिया या वाई लिया, मैं कह रहा हूँ कि जीरो से लेकर के पाई तक, जीरो से लेकर के पाई तक यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात होगी, ठीक। अगर उन्होंने वैल्यू धनात्मक ले रखा है, पॉजिटिव ले रखा है, तब तो आप थीटा के फॉर्म में आंसर बताइए, ठीक। सिंपल, आपने टेबल तैयार कर रखा है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं, ठीक। पर अगर ऋणात्मक ले रखा है तो आप वहाँ पे पाई माइनस थीटा दे दीजिए, आप वहाँ पे क्या दे दीजिएगा पाई माइनस थीटा दे दीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल बेफिक्र हो करके 180 में से घटा करके जवाब दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई विल टेक सम एग्जांपल, सपोज दैट मैंने पूछा कॉस में, एक मिनट, मैंने पूछा आपसे कॉस में कॉस इनवर्स 1/√2, मैंने पूछा आपसे कॉस में कॉस इनवर्स -√3/2, मैंने पूछा आपसे कॉस में कॉस इनवर्स 1, मैंने पूछा आपसे कॉस में कॉस इनवर्स -1/2, मैंने पूछा आपसे कॉस में कॉस इनवर्स 0, पूछा आपसे कॉस में कॉस इनवर्स, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया -2, है ना। अब मैंने यहाँ पे 6 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है 6 अलग अलग वैरायटीज़ के एग्जाम्पल यहाँ पे कवर कर रखे हैं, और हमारा काम है इसको हमें जवाब देना है, ठीक। फिर एक बार बताता हूँ, यहाँ जो इनपुट आएगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा, जो आउटकम आएगा वो जीरो से पाई के बीच में आएगा, यानी जो इसका कोण उत्तर के रूप में आएगा वो चीज़ जीरो से पाई के रूप में आएगा, जीरो से पाई के बीच में आएगा, जीरो इंक्लूडिंग है पाई भी इंक्लूडिंग है, यानी जीरो और पाई भी हो सकता है आंसर,
ठीक है ना। अच्छा फिर मैंने आपसे कहा कि अगर धनात्मक वैल्यू है, अगर धनात्मक वैल्यू है तो प्रथम निर्देशांक में दीजिएगा थीटा के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंदर की वैल्यू ऋणात्मक है तो वहां पे उस चीज को आप पाई माइनस थीटा दीजिएगा। साइन के साथ क्या था, सिंपल आगे माइनस लगा करके दे दे रहे थे, माइनस साइन थीटा कर दे रहे थे, पर यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे अगर एक थीटा बनेगा तो अगर वो माइनस के साथ आएगा तो वहां पे पाई माइनस थीटा आपको देना पड़ेगा, पाई माइनस क्या देना पड़ेगा, थीटा देना पड़ेगा। चलिए एक एक बात करते हैं। जैसे पहला वाला कॉस इनवर्स वन बाई टू, कॉस इनवर्स वन बाई रूट टू, अब कितने की वैल्यू होती है सबको पता होगा। कॉस इनवर्स वन बाई रूट टू की वैल्यू, कॉस इनवर्स वन बाई रूट टू की वैल्यू ये होगी 45 डिग्री, यानी पाई बाई फोर। धनात्मक है इसलिए कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है, और आप सिंपली पाई बाई फोर यानी 45 अंश रेडियन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, पाई बाई फोर आ जाएगा। आइए अगला नेक्स्ट है कॉस इनवर्स वन, कॉस इनवर्स वन कितनी वैल्यू होती है कॉस इनवर्स की वन में, तो भैया कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है ना वो होती है वन, ठीक। उल्टा अगर देखोगे इनवर्स वाला फार्मूला देखोगे तो तुमको पता चलेगा जीरो पे जो हो रहा है वो वन हो रहा है, तो वन इनपुट देने पे इसका आउटकम जीरो रेडियन आएगा, जीरो रेडियन, जीरो रेडियन। ये बात क्लियर हो रही है, तो ये जीरो रेडियन होगा, ठीक। डिग्री मत लिख दीजिएगा, ठीक है, मैंने आपसे पहले ही बोला हुआ है कि सारे आंसर इसके आप लोग रेडियन में बताइएगा, रेडियन में ही इसका उत्तर निकल करके आएगा। नेक्स्ट है कॉस इनवर्स जीरो, कितने की वैल्यू होती है जीरो भाई, तो 90 डिग्री की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है, 90 डिग्री की। सभी को मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि डेफिनेटली आपने एटलीस्ट वो टेबल तैयार कर लिया होगा जहाँ पे कोणों से वैल्यू का मान आता है, तो वो जब त्रिकोणमिति में आपने तैयार किया होगा तो उसका उल्टा अपने आप तैयार हो जाता है। यहाँ पे कॉस इनवर्स जीरो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी कितनी, पाई बाई टू आ जाएगी, पाई बाई टू, यानी 90 का मान यहाँ पे शून्य होगा। यहाँ पे 90 का मान जो होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। ये बात क्लियर हो रही है। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वैल्यू, आहा मजेदार यार ना, मतलब रियल में मजा आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा अगर सीखा हुआ है तो रियली बच्चा एंजॉय करेगा और मजे से बताएगा। यार रूट थ्री बाई टू कितने की वैल्यू होती है, रूट थ्री बाई टू वैल्यू होती है 30 डिग्री की, ठीक है, और लगा है आगे माइनस, लगा है आगे माइनस। अब माइनस आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आता है तो थीटा में आंसर देते हो, नेगेटिव आता है तो पाई माइनस थीटा में देते हो, नेगेटिव आता है तो पाई माइनस थीटा में आंसर देते हो, है ना। यहाँ पे आपको माइनस रूट थ्री बाई टू है, इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला है, इसका जो आंसर आने वाला है वो नेगेटिव में आने वाला है, यानी इट्स अ पाई माइनस पाई बाई सिक्स, इट्स अ पाई माइनस पाई बाई सिक्स। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5π/6, ये हो जाएगा आपका 5π/6, है ना। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ठीक, कैसे करेंगे कॉस इनवर्स माइनस 1/2। यार 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 1/2 जो वैल्यू होती है ना वो होती है 60 डिग्री की, यानी 60 अंश की, है ना। अब यहाँ पे जब हम माइनस लगाते हैं, जब हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं तो इसका मतलब इसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करना है, पाई में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब पाई में से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये चीज आपका 2π/3 आ जाएगा, ये चीज आपका कितना आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। व्हाट अबाउट द लास्ट माइनस 2, अब सबको पता है या तो 1 के अंदर रहेगा या तो माइनस 1 से ज़्यादा रहेगा, माइनस 2 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं,
कोई हल नहीं। तो मैं आज मैंने cos inverse x आपको पूरी तरीके से क्लियर किया कि किस तरीके से धनात्मक में उत्तर लिखते हैं, किस तरीके से ऋणात्मक में उत्तर लिखते हैं और किस तरीके से इसके क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। ठीक, अगली क्लास इम्पॉर्टेंट होगी, बात होगी हमारी आपकी tan inverse x पे, इम्पॉर्टेंट होगा हमारे आपके लिए tan inverse x पे, तो तैयार रहिएगा क्योंकि tan inverse x चालू होते ही हम बात करेंगे आइडेंटिटीज़ पे कि कैसे आखिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि इट्स अ वन शॉट कॉन्सेप्ट, यानी एक बार सीखेंगे और हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा आपके लिए, तो बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। गेटरिक्स एजुकेशन आपके लिए सदैव तैयार है, तत्पर है बिल्कुल से, और प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो ये उन बच्चों तक पहुंचेगा जिनका इस पैंडमिक कंडीशन में, जो यहाँ आजकल भयानक चीज़ें चल रही हैं, या कहीं पे टीचर नहीं है या कहीं पे कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। साथ में ये जो वायरस फैला हुआ है इसमें भी इस चीज़ को हमारे लिए एक सही चीज़ होगी कि ये सामान्य जनमानस तक पहुँचे और उनको उस चीज़ को पढ़ने में हेल्प मिले, सो दैट वो अपना कैरियर बना सके। अदरवाइज पता है दोस्तों, हम बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक है, और ये बिल्कुल से सही नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ग्रेडरेक्स एजुकेशन की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में tan inverse x की। थैंक यू।